जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि पेंशनर के पेंशन भुगतान पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मंत्रालय ने जारी की है कुछ डेडलाइन। दोस्तों वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ पेंशनरों की पेंशन क्यों नहीं आई उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और लास्ट में बताएंगे स्पर्श क्या है। दोस्तों वीडियो पर बने रहे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह इंडियन आर्मी अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। एक सामने आई है, दरअसल दोस्तों मंत्रालय ने 58,000 से अधिक पूर्व कर्मचारियों की खुशखबरी दी है। दरअसल दोस्तों सरकार सहित मंत्रालय ने कहा है कि जल्द बैंक खातों में पेंशन की राशि पहुंचेगी, साथ ही उन्हें 25 मई तक सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को एक डेडलाइन तय कर कार्यशैली को पूरा करने का निर्देश दिया है। दोस्तों कमांडर रैंक के अधिकारी सहित लगभग 58,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को महीने के अंत में अप्रैल 2022 के लिए उनकी पेंशन नहीं मिली, जिसके वे परेशान हो गए। सशस्त्र बलों के कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की करने के बाद रक्षा मंत्रालय को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। पेंशन प्राप्त करने की दस्तावेजीकरण पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक मुक्त छूट दिए जाने के बाद अब पेंशन का वितरण किया गया है। एक आवश्यकता जिसके बारे में कई दिग्गज दावा करते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। बुधवार को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि प्रभावित 58,275 पूर्व सैनिकों के खातों में रातों तक देय पेंशन जमा कर दी जाएगी, जिसमें कुछों का भुगतान किया गया। साथियों पेंशनरों की पेंशन न आने के कारण पीछे क्या कारण था उसके बारे में अब आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पेंशन में देरी हुई क्योंकि पूर्व सैनिकों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC प्रदान नहीं किया। प्रमाण पत्र को 31 मार्च से पहले स्पर्श प्लेटफॉर्म पर जमा करना होता है, जिसे अब तक कई पूर्व कर्मचारियों द्वारा जमा नहीं किया गया है। पहले की समय सीमा नवंबर 2021 थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण तारीख बढ़ा दी गई थी। साथ ही इसी बढ़ते हुए क्रम में अब आपको बताते हैं कि स्पर्श क्या है। पेंशन प्रशासन प्रणाली एक ऑनलाइन एकीकृत मंच जिससे पूर्व सैनिकों को स्वचालित रूप से पेंशन स्वीकृत और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार जुलाई 2021 में लागू किया गया था, लेकिन सेवानिवृत्त एम्प्लॉई को पुरानी पेंशन प्रणाली से डिजिटल प्रणाली में स्विच करने के लिए कुछ टाइम दिया गया था। इस प्रणाली के तहत पेंशन सीधे पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, और एक मध्यस्थ और एक कमीशन एजेंट के रूप में बैंक की भूमिका को हटा दिया गया है। इससे सरकार के लिए पर्याप्त वित्तीय बचत होती है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सरकार की दृष्टिकोण के अनुसार है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो नॉलेजेबल रही तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो को, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।